This is the most haunted place in Haleshwar. रिमेम्बर दिस प्लेस, ये वही जगह है जहाँ पर दुर्गा पूजा जो था वो हुआ था और अभी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हे, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आज मैं आ गया हूँ हालीशोर, वही जगह जहाँ पर हम लोगों ने एक महीने पहले जो है दुर्गा पूजा हम लोगों ने जो देखा था। और फिलहाल अभी मैं आया हूँ एक एक्सप्लोर करने, और आप लोगों को मैं आज मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जो बंगाल में क्लब कल्चर क्या है, जैसे कि यहाँ का जो यंग जनरेशन है वो कैसे यहाँ पर टाइम पास करते हैं और क्या क्या चीज़ वो एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ का जो क्लब कल्चर है वो कैसे होगा, आप लोग आज देखेंगे। तो गाइस, वीडियो तो पूरा देखना है। तो गाइस, ये है इनका क्लब, जो क्लब के बारे में मैं बता रहा था, ये क्लब है इनका। यहाँ पर शाम के वक्त जितने भी यहाँ के फ्रेंड्स हैं वो सब यहाँ पर आते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं, और एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा इन लोग एक टाइम पास वगैरह करते हैं। तो फिलहाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, बैक टू 2008 2009 ये सब कुछ भी नहीं था, पर अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। जिम आइटम्स यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पीछे जिम आइटम्स वगैरह है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडमिल है। यहाँ पर हालीशोर जा रहा है फिट के दौर में, और यहाँ पर जिम इक्विपमेंट्स वगैरह रखा हुआ है, काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स है यहाँ पर। और मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, यहाँ पर एक कैरम हुआ करता था, काफ़ी जंबो साइज़ का कैरम था, जो हमें खाली वेस्ट बंगाल में देखने मिलता है, कोलकाता में देखने मिलता है, जो मुंबई में हमें देखने नहीं मिलता है, तो शायद वो यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो ओवरऑल ये है इनका क्लब। सो गाइज, दिस इज़ ठेक, इसे बेसिकली ठेक बोलते हैं। यहाँ पर यूजुअली जितने भी फ्रेंड सर्कल है यहाँ के जो यहाँ पर रहते हैं वो शाम को आकर यहाँ पर जमा होते हैं, और जमा होकर सब अपना जो दिन भर का जो हेडेक है वो डिस्कस करना, फ्यूचर प्लानिंग्स या अदर जो भी चीज़ इन लोग सोचते हैं वो यहाँ पर बैठ के डिस्कस करना, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है। ये कल्चर जो है मुंबई में नहीं है, ना ही दिल्ली में है, मैं काफ़ी जगह में देख चुका हूँ, वहाँ पर किधर भी ये कल्चर है नहीं। तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे का जो दोस्त लोग हैं सब जो है खड़े होकर वहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी। तो लेट्स चेक करते हैं कि उन लोग क्या बातें कर रहे हैं, देखते हैं। तो गाइज़, ये है टुबू, यहाँ पर ही रहता है, और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2008-09 से पहचानता हूँ। और ये है टुबू, और अपना अपना नाम बताओ ना सब लोग यार। नाम बता। हाँ, बोल बोल। टुबलू टोनी। टोनी, टुबलू टोनी। तुम लोग, ये जो तुम लोग यहाँ पर बैठते हो इसे कहते हैं ठेक? ठेक। तो तुम लोग, माचा। हाँ माचा, माचा माचा कहते थे पहले, एक बम्बू का हुआ करता था, अभी वो नहीं है। तो तुम लोग एग्जैक्टली करते क्या हो, मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ डिस्कस करते हो, अच्छा चीज़ बुरा चीज़ क्या क्या करते हो आप लोग? सब कुछ मिली है। सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करते हैं, गर्लफ्रेंड ये वो सब कुछ सब कुछ किराना सब सब कुछ कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ समझ जाओ, सब कुछ में इंक्लूडिंग हार्ड सॉफ्ट सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर है राजादा, और हमारे राजादा लास्ट टाइम जो दुर्गा पूजा का वीडियो हमने डाला था वो इनके इंचार्ज में थे, और पूरा पंडाल का जो भी दायित्व था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा इनका था। तो राजा दा, कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे आके?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा और लग रहा आपको है। देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा अच्छा, है। ये अप्रोक्सीमेटली मैं कुछ कुछ मेरे स्नैप्स हैं जो 2008 2009 का है, मुझे अगर मौका मिले तो मैं चैनल पे ज़रूर उसे रिलीज़ करूँगा। तो हम लोग का कुछ पिक्स है वो पीपा के वैसे टाइप का कुछ जो होता है वैसा स्टफ था, तो मैं ज़रूर रिलीज़ करूँगा, आप लोग ज़रूर देखिए। बैक इन 2009 का राजा था और 2019 का जो राजा है, आफ्टर 10 ईयर्स क्या डिफरेंस है, आप लोग चेक करके मुझे बताना। और ये है बाबूदा, बाबूदा हाय बोलो। हाय बाबूदा भी काफ़ी एक्टिव मेंबर है, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 15-20 जन होते हैं, पूरा 15-20 जन होते हैं, पर आज अवेलेबल कोई नहीं है। आई थिंक ट्यूसडे है यूजुअली, अगर हम सैटरडे या संडे वगैरह को आते तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता। और एट द सेम टाइम इन लोग काफ़ी छोटे छोटे पिकनिक्स वगैरह करते हैं, जैसे कि कभी बैंगन का भरता और रोटी बना दिया, कभी चिकन ले लिया, और एकदम मिनिमल बजट में, एकदम 20-30 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया ना, और वो सब भी चलता है कंट्रीब्यूशन करके, बहुत ही एकदम सब है, एकदम देसी वैसी इंग्लिश इंग्लिश सब कुछ चलता है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा बातचीत करता हूँ क्या है, नहीं इतने इनके बाद मिला हूँ। तो गाइज मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं इसे भूत गली कहते हैं, एंड बेसिकली दिस इज द मोस्ट वॉन्टेड प्लेस इन हालीशोर। तो थोड़ा सा जो है मैं लाइट का एक्सपोजर ले लेता हूँ, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। वैसे मैं तो थोड़ा सा भूत वूत से डरता तो नहीं हूँ पर घबर जाता हूँ, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैं इनमें से ही किसी एक को साथ में लेके चलता हूँ। तो गाइस कौन चलेगा मेरे साथ में? हुआ रोनी और रोनी दोनों जा रहे हैं भूत गली की तरफ। तो क्या मतलब, क्या स्टोरीज वगैरह क्या है भूत गली के बारे में क्या है? हाँ, एक बार मैं छोटा था तब सुना था, हाँ एक बार एक आदमी साइकिल लेके आ रहा था ऑफिस से, बहुत रात हो गया, ओके, तो ऊपर से पता नहीं सच है या अफवाह, ऊपर से कुछ गिरा गिरा था, तो क्या हाथ पैर वगैरह कुछ ऐसा कुछ देखा था मैंने या? कुछ नहीं देखा, तो बेसिकली गाइस मुझे फ्लैशलाइट का जितना भी ये सेगमेंट है वहाँ तक ही हम देख सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिया है, आप देख सकते हो ये जो है बेसिकली ये जो गली है ये है भूत गली। तो फ्लैश लाइट जो है वो काफ़ी कम फोकस कर रहा है, मैं इसे वाइडर लाइट में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो आप एक बेटर व्यू आप ले सकते हो। तो गाइज थोड़ा थोड़ा वॉक करते हैं हम लोग। तो आसपास आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देखिए खाली प्लॉट्स पड़े हैं, दीवार है और काफी जंगल है। और ये जो प्लेस जब भी जो हम देखने जा रहे हैं ये काफी हॉन्टेड है गाइस, ये काफी सारे स्टोरीज है यहाँ पर जो लोग कहना नहीं चाहते, डरते भी हैं शायद से। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, गाइज हल्का हल्का थोड़ा सा यहाँ पर एक श्योरनेस है, एक पता नहीं एक अजीब सा एक फीलिंग है, एक अजीब सा एक नेगेटिविटी जो एक आप फील कर सकते हो, तुम्हें फील हो रहा है वो चीज़ एक, सबको होता है। हाँ एक नेगेटिविटी मुझे भी एक हल्का सा फील हो रहा है, और आप लिटरली आप देख सकते हो कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, देखिए हल्का हल्का शिवर हो रहा है, ठंड भी है, पर यहाँ का एक अलग ही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो चीज़ को, बट इट सीम्स कुछ तो है यहाँ पर। ये है जो कैम के ऊपर का जो फ्लैशलाइट है ये उस पर रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप वॉल देख सकते हो, मैंने अभी ये फ्लैशलाइट लगाया है, ये हम चेक करते हैं कि कहाँ पर कोई कुछ है क्या। अब वहाँ पर एक छोटा सा एक तालाब है, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कुछ वहाँ पर हमें दिखता है क्या। तो लेट्स चेक गाइज, ये मैं जहाँ जहाँ स्पॉटलाइट मार रहा हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ नहीं, खाली काव डंग्स वगैरह पड़े हैं, तो थोड़ा सा वॉच आउट करके हमें चलना है। ये देखिए कि एक साइकिल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइकिल पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता किसका है, या बोल नहीं सकते कि कोई भूत देख के डर के फेंक के भाग गया है। तो मैं आप लोगों को और भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये हम रास्ते से चल रहे हैं, ये यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, स्पॉटलाइट जो है वो प्रॉपर जस्टिस नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो, मैं स्पॉटलाइट, ये एक तालाब है, ये देखिए आप लोग पानी का जो रिफ्लेक्शन आपको देखने मिल जाएगा जो बोलते हैं, पर
वो हॉन्टेड के अलावा फालतूगिरी वहाँ पर ज़्यादा होता है, जहाँ पर आप देखोगे कि लड़के लड़कियाँ आकर जो उनका जो स्टफ से वो सब वो करते हैं। बाबू ऐसा कुछ होता है यहाँ पर? हाँ ओ होता है वो तुम्हार ऐसा माने अंधकार देखने अच्छा सब अच्छा अंधेरा देखने से। तो हाथ गाइस डे बाबूदा भी टू वही ये कह रहे हैं करे कि और अंधेरा देखकर ही अंधेरे का एडवांटेज जो है वो उठाने का हमरा और कोशिश। नुमरा बोले धा दुई कोरी हाँ, ये तो है ये तो जो गंदापन जो हम कहते हैं, जिसे हम वल्गर एक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो करने से ये रोकते हैं। ये इनका काफी एक अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि माने आजकल। धरो जो तो नुमरा है ये जगह हमरा धा दुई कोरी ये अच्छा, है मेरे कजिन है, कजिन के फ्रेंड्स लोग हैं, यूजुअली यहाँ पर जो गंदगी गंदगी जो हम कहते हैं, वो यहाँ पर अगर हो तो इनको ही बुरा लगता है, क्योंकि ये यहाँ पर लोकल रेसिडेंट्स हैं, तो ये आकर उनको भगा देते हैं। और यूजुअली आप जब देखोगे ना, यहाँ पर बाहर के लोग ही आके ज़्यादा गंदागिरी जो होता है वो यहाँ पर करते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये जो ये लोग हैं, ये सब चीज़ के इनिशिएटिव्स लेते हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे कि आज के तारीख में काफ़ी रेप वगैरह के जो किस्से जो हो रहे हैं, वो ये रीज़न के वजह से होता है। तो अगर हम लोगों ने भी ये जागरूकता अगर हम लोग भी लाए, और हम लोगों ने भी इस किस्म का एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे ग्रुप के कुछ लोग हो जो इस किस्म के एरिया पर नज़र रखे और इस किस्म के चीज़ों को हरकतों को रोके, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक जो ये रेप वगैरह होता है या फालतूगिरी जो होता है, अपन अगर प्लेन लैंग्वेज में बोले फालतूगिरी, तो ये कम हो सकता है। तो गाइज मैं हैट्स ऑफ करता हूँ ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग जो भी ये कर रहे हैं उनको मैं हमेशा सल्यूट। कि रात के 8:30 बज रहे हैं, अंधेरा है काफ़ी, नहीं तो मैं आपको ये जो यहाँ पर एक छोटा सा लेक है, मैं वो लेक आप लोगों को दिखा देता। तो फिलहाल एक दिन हम आएंगे जहाँ पर इनका कोई ओकेशन वगैरह हो, पिकनिक वगैरह हो, वहाँ पर हम देखें कि और क्या क्या मज़ा होता है। तो बेसिकली मुझे एक समअप देना है इस चीज़ के बारे में कि जो व्लॉग आज हम बनाए हैं या जो हम लोगों ने आज ट्राई किया है बनाने का, बेसिकली ये क्लब कल्चर है जहाँ पर सारे जो भी यंग जनरेशन्स है, और क्लास वाइज होता है क्योंकि जो बड़े हैं सीनियर है उसके नीचे जो है, ये सब यहाँ पर मिलते हैं, अपने प्रोफेशन लाइफ पर्सनल लाइफ वगैरह डिस्कस करते हैं, और काफ़ी अच्छा एक आप माहौल यहाँ पर देख सकोगे। सेकेंड थिंग है कि ये जो कल्चर है, ये कल्चर आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओ आपको वहाँ पर वो नहीं मिलेगा, ये खाली बंगाल में ही मिलता है। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आप ज़रूर दबा दीजिए, और उसके पास ही में एक बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दैट गाइज, इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणबीर। Oh, 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 oh